आज फिशर के बच्चे पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। पावर पावर मीन्स शक्ति, ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह, शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया। आदमी की शक्ति नहीं, बिजली से मोटर की शक्ति एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया को हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। फैक्ट्री में बहुत सी मशीनें चलती हैं, सबका अलग अलग मोटर भी होता है और एक मोटर से बहुत से काम होते हैं। ड्रिलिंग भी हो रहा है, हेक्साइन भी हो रहा है, सेपर चल रहा है, स्लॉटर चल रहा है मशीन, ये सब मशीनें चलती है अलग अलग मोटर से भी और एक मोटर से अनेकों काम होते हैं। यहां पर ट्रांसमिशन दो प्रकार के दिखाया गया है, सेल्फ ट्रांसमिशन, सेल्फ मतलब एक अलग अलग एक ही मोटर हर एक काम के लिए, एक मोटर तेल पीसना है तो एक मोटर, धान कूटना है तो एक मोटर, यानी हर एक काम के लिए मशीन के लिए अलग अलग मोटर, या डीजल इंजन का उपयोग होता है वहां पर सेल्फ ट्रांसमिशन कहा जाता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मोटर से पावर दिया जाता है। यहां देखिए उसका मेन स्विच एक ही होता है, हरेक का अलग अलग मेन स्विच होता है, हरेक मोटर का अलग अलग मोड मेन स्विच चालू करना बंद करना। इसमें इससे फायदा यह होता है कि एक्सीडेंट का कम चांस रहता है, एक ही मोटर चल रहा है एक्सीडेंट हुआ तुरंत बंद कर सकते हैं। और यहां पर देखिए मेन स्विच जो है मोटर है और एक काम जो है एक काम के लिए एक ही मोटर इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ मोटर, सेल्फ ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। दूसरा है ग्रुप ट्रांसमिशन, ग्रुप एक से ज्यादा काम करने के लिए तेल भी पीसना है, आटा भी पीसना है, तेल पेरना है, धान कूटना है, सेपर चलाना है, स्लॉटर चलाना है, ड्रिलिंग चलाना है, ये सब काम के लिए सिर्फ एक ही मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रांसमिशन। पावर एक ही मोटर है और एक मोटर से अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इसमें दुर्घटना का अधिक चांस रहता है। यहां दुर्घटना में कोई भी काम अगर अलग अलग हो रहा है, दुर्घटना होती है तो मेन स्विच एक ही है, यहां आकर तो बंद करेंगे, पूरे मशीन को बंद होना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ में एक अलग अलग होता है, उसी जिसमें एक्सीडेंट होगा उसी को बंद करेंगे। ये देखिए मेन स्विच है, मोटर यहां है, इससे तेल भी पिला रहा है, आटा भी चल रहा है, चाकू भी हो रहा है, एक तरह से अलग अलग काम हो रहा है। इसमें फायदा यही है, मोटर एक ही जाता है लेकिन उसको चलाने के लिए ब्रेक जो है
बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ये छाती का काम खत्म हो गया, ये पुली पर से चलते हुए उसमें बेल्ट को उतार देते हैं, पावर बंद हो जाता है और ये मशीन बंद हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस होता है। अब है ट्रांसमिशन, पावर को ट्रांसमिट करने में कौन कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से चीज इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहला है बेल्ट। आप लोग घरेलू काम के लिए मिल में जाते होंगे, वहां देखते हैं बेल्ट के द्वारा पुल्ली पर बेल्ट चढ़ता है और तेल जो है या आटा पिसाता है, वो बेल्ट जो है चौड़ा वाला, वो बेल्ट उस पर चढ़ा रहता है। बेल्ट भी कई एक प्रकार के होते हैं। फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट जो अभी हम बतलाए जो मिल में रहता है चौड़ा वाला, वो फ्लैट बेल्ट कहलाता है। राउंड बेल्ट, राउंड बेल्ट ड्रिल मशीन में कहीं कहीं उसका उपयोग होता है, जिसका पुली गोल राउंड होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी बेल्ट, इसका आकार, इस बेल्ट का आकार वी के अक्षर के अनुसार होता है, इस तरह से होता है। इसका इस्तेमाल आप लोग ड्रिल मशीन चलाए होंगे, ऊपर जो मोटर से चलता है पुली पर जो बेल्ट है वो भी बेल्ट है। दूसरा है चेन, सोर्स पावर ट्रांसमिशन का चेन। चेन आप लोग देखे होंगे क्योंकि घर घर में वो चेन है, मोटरसाइकिल में चेन है, साइकिल में चेन है, पावर को ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है? स्विच देते हैं, स्विच देने के बाद पिछला चक्का घूमता है, उस पर जो गियर लगा हुआ है, जो इस पर दांत कटा हुआ रहता है, उस पर चेन चढ़ा हुआ है, वो चेन घूमता है, बेल्ट पुल जो चक्का है घूमता है, इससे पावर जो है आगे मिलता है और गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ती है। ये चेन हुआ। आप लोग देखे होंगे कभी कभी डंपर क्रेन में बड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा चेन होता है, उस पर क्रेन चलती है। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए चेन की जरूरी है। ये है, यह कम दूरी जैसे पास पास में ट्रांसमिशन करना है, आप लोग देखा कोई भी मशीन को खोलिएगा तो एक गियर दूसरे गियर में सटा रहता है, तो नजदीक की दूरी को ट्रांसमिट करने के लिए एक गियर का इस्तेमाल करते हैं। रोप, रोप माने रस्सा होता है। आप यह मत समझे कि यह जो है कॉटन वाला रोप से पावर ट्रांसमिशन होता है, यह लोहे का रोप होता है, जो लोहे के तार से बनता है। आप लोग क्रेन देखे होंगे, क्रेन में रोप लगा रहता है जो किसी गाड़ी को टालता है, तो पावर जो है आपको मशीन से मिलता है और गाड़ी को रोप के द्वारा टांगा जाता है, उठाया जाता है। कपलिंग, कपलिंग जो है किसी पार्ट्स को जोड़कर